सर के आगे जीत है, सर सर से बात करो आप। बहुत बार क्या ऑपरेशन से डर लगता है, आपको ऐसे डर नहीं लगा? नहीं सर, आपने एकदम आपका कॉन्फिडेंस देख के मेरे में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। यानी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंह के अलावा भी नाक से भी सांस लिया जा सकता है। तो यानी इतना फर्क हो गया है, दोनों छेद एकदम खुल गए अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया सर्जरी होगी ये। मैं एकदम इसे आप संतुष्ट हूं। आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। बिल्कुल सर भाई, अगर मेरे ऑपरेशन से मैं खुश होता, आप खुश नहीं होते तो कोई मतलब नहीं था। आप खुश हैं तो हमारी सारी टीम खुश है। ऑपरेशन पूर्व आपके द्वारा दी गई जानकारियां जितनी भी थी ना, उसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों हमारे साथ में है हमारे बड़े अच्छे एक पेशेंट हैं, इरफान भाई। इरफान जी को क्या है कि नोज की प्रॉब्लम थी, फिर ये मेरे पास आए, मैंने इनको सारा समझाया, बट हमने सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद आज 10th डे पे इनका प्लास्टर हटा है। प्लास्टर हटने के बाद जो है इनकी क्या फीलिंग है, क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके नोज में हमने क्या किया क्या नहीं। सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी में, कि इनका जो है वो सर्जरी के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा। पहले सर मुझे नाक के रास्ते पर सांस वो जबरदस्त रुकावट थी और सांस बिल्कुल भी नहीं आता था। यानी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंह के अलावा भी नाक से भी सांस लिया जा सकता है। तो यानी इतना फर्क हो गया है, दोनों छेद एकदम खुल गए अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया सर्जरी होगी ये। मैं एकदम इसे आत्मसंतुष्ट हूँ। आत्मसंतुष्टि आपकी हुई, आपको जैसे नोज में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर साहब ने जैसे मैंने ये बताया कि आपका ऑपरेशन होगा। बहुत बार क्या ऑपरेशन से डर लगता है, आपको ऐसे डर नहीं लगा? नहीं सर, आपने एकदम आपका कॉन्फिडेंस देख के मेरे में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। एंड जैसे दोस्तों क्या है कि इनका सर का जो है नोज जो था ना, एक बड़ा थिक स्किन नोज था, बहुत बड़ा नोज था, बहुत मोटा नोज था। एंड थिक स्किन नोज की दोस्तों जब राइनोप्लास्टी करते हैं तो उसमें बहुत डिफिकल्टी आती है। हमने इनके क्या है कि कार्टिलेज, रिब कार्टिलेज लेके नोज बनाया है, ऑगमेंटेशन किया है, स्किन को थिनिंग किया है। बट इनफैक्ट आप ये देखिए कि अभी जो है नोज की सर्जरी के बाद इनका जो नोज है वो स्किन की थिकनेस भी कम हो गई है। एंड नोज काफी, जैसे आप इनके एज के अकॉर्डिंग देखो तो भी हमें ऐसा लगता है कि नोज की जो उम्र है 15 साल कम है। एंड ये खुद को भी अच्छा फील हो रहा होगा अभी। यस सर, यंगर फील हो रहा है। आपको यंगर फील हो रहा है ऐसे। आप अपने इससे नोज के आपके रिजल्ट से खुश हैं? एकदम सर, आप संतुष्ट हूं मैं एकदम। आप एकदम पूरी तरीके से, पूरी सेटिस्फेक्शन। बहुत सारे लोगों को नाक की समस्या है, जैसे डर के मारे इलाज नहीं कराते, तो उनको क्या मैसेज दोगे? सर के आगे जीत है, सर सर से बात करो आप और आपका काम हल हो जाएगा। सर कौन, सर एकदम बी कॉन्फिडेंट कर देते हैं पेशेंट को, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहती। दोस्तों जो इरफान जी ने जो बात बताई है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर होता है पेशेंट का, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर जो है हम पेशेंट को अच्छे से समझाते हैं उसकी समस्या, तो मरीज को काफी कॉन्फिडेंस बन जाता है। इसलिए पहले डॉक्टर का कॉन्फिडेंस, और इसमें क्या होता है कि जो आपकी समस्या है उस समस्या के लिए वो डॉक्टर पूरा उसको करने में सक्षम होना बहुत जरूरी होता है। एंड आप सबको पता है कोई भी काम में जब आप सक्षम होते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप निकल के आता है। हम कॉन्फिडेंशियली उस पेशेंट को समझाएंगे तो पेशेंट डेफिनेटली मानता है, ठीक है डॉक्टर साहब आप करो। और विद ग्रेस ऑफ गॉड जब हम अच्छी नीयत से और अच्छा काम करते हैं, अच्छी स्किल से काम करते हैं, तो अच्छे रिजल्ट निकल के। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। अच्छी नीयत से करते हैं तो अच्छा रिजल्ट निकलते हैं। भगवान आपको सर और भी इससे भी अति जटिलतम सर्जरियां करवाए सर आपके हाथों से, और लोगों का नाक से सांस लेना आसान हो सके। थैंक यू इरफान जी, आपने हमारे पे विश्वास किया और आपने जो विश्वास किया उसी विश्वास की कसौटी पे हमने आपका काम किया। जी सर बिल्कुल, आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। बिल्कुल सर भाई, अगर मेरे ऑपरेशन से मैं खुश होता, आप खुश नहीं होते तो कोई मतलब नहीं था। आप खुश हैं तो हमारी सारी टीम खुश है। ऑपरेशन पूर्व आपके द्वारा दी गई जानकारियां जितनी भी थी ना, उसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया सर। उसका मुझे फायदा मिला ऑपरेशन। ओके, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।